हम आप पहुँचे हैं सारनाथ, वह स्थान जहाँ बहुत समय पहले खुदाई हुई थी और यहीं से अशोक स्तंभ जो हमारे भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ यहीं से प्राप्त हुआ था खुदाई में, जो यहाँ के म्यूजियम में फ्रंट गेट के सामने रखा हुआ है। तो आइए चलिए मेरे साथ सारनाथ का दर्शन करिए। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि। प्राचीन काल के भारतीय राजाओं में मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक के द्वारा भारत राष्ट्र में भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से सारनाथ के भी स्तूप और स्तंभ आते हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ कालांतर में खुदाई में प्राप्त हुआ, जो यहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है और इसे बाद में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अशोक स्तंभ के पीछे एक 24 तीलियों का चक्र पाया गया, वह भी म्यूजियम के फ्रंट गेट पर रखा हुआ है। उसी चक्र को भारतीय राष्ट्र के तिरंगे में चक्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अब देखिए सारनाथ में यह खुदाई का वह स्थल जो बाद में खुदाई के द्वारा नीचे से प्राप्त किया गया, पुरातात्विक अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। यही वह स्थान जहां से अशोक स्तंभ उठाकर म्यूजियम में रखा हुआ है, चक्र रखा हुआ है। सारनाथ पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए सारनाथ आज बौद्ध धर्म की एक पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। यहाँ से प्राप्त यह सारे अवशेष आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम है। धन्यवाद।